हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल चित्तौड़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही या कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस एरर आ रहा, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं आसान तरीके से। एक भाई लोगों का कमेंट आया था कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है, उसमें जैसे एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ वो इंस्टॉल भी नहीं हो पा रही, और कोई कौन से भी एप्लीकेशन में जैसे अपडेट करना चाहूँगा वो भी नहीं हो पा आसान तरीके से। तो गाइस, मैं आपको एरर बताऊंगा और उस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम जानेंगे पूरी वीडियो डिटेल के साथ में। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए गाइस, फाइनली वीडियो शुरू कर लेते हैं फटाफट, आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गाइस, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको प्ले स्टोर को ओपन करूंगा तो गाइस आपको हमने ईमेल आईडी बनाएगी, तो आपको हमारे प्रोफाइल आपको क्लिक कर, फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोफाइल आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस प्रोफाइल आपको क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग दिखाई देगा, आपको सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको जनरल सेटिंग में चला जाना, और आपको जो भी नोटिफिकेशन हो गए उनको आपको बंद कर देना, और उसके बाद अगर आपको दिख रहा हो नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद आपको नेटवर्क सेटिंग आपको क्लिक कर लेना, और आपको ऐप इन आपको जो भी एरिया नेटवर्क कर देना, ताकि आपको मोबाइल में जो भी अपना मोबाइल में डाटा चल रहा होगा उसका अपडेट हो जाएगा। अब यदि आपके मोबाइल में वाईफाई होगा तो आपको मोबाइल में एप्लीकेशन अपडेट भी नहीं होगी, और उसको आपको डाउनलोड करना चाहे वो इंस्टॉल करना चाहे वो भी नहीं हो पा रही होगी आसान तरीके से। तो कैसे आपको और नेटवर्क क्लिक कर सकते हो, जैसे क्लिक कर लोगे तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन अपडेट भी हो जाएगी आसान। और गाइस, आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ऐप डाउनलोड ऑटोमेटिक ऑप्शन कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक कर दोगे तो आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन चल रही होगी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी आसान तरीके से। जैसे आपका हमें दिखा देगा, मैंने वाईफाई पर कर रखा है, जैसे मैं वाईफाई पर कनेक्ट होगा तो मेरे मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन अपडेट मांग रहेगी वो ऑटो डेबिट हो जाएगी, और अपने आप ही वो अपडेट हो जाएगी और इंस्टॉल भी हो जाएगी आसान तरीके से। वो भी आप अपने मोबाइल में कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चले गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी यूजफुल लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट लाऊंगा गाइस, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चले गाइस, फाइनली इस वीडियो आज इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी।